हाँ भैया, कितने पैसे हुए? 12 रुपए साहब। 12 रुपए रख लो, चलें। सुनिए, ये टोकरी। ओ तो अब आप मुझे पहनाएंगी? ये पकड़िए। चलो। सुनिए, ये टोकरी। ओ, अब चलें। माँ, ये सब क्या है और इसका क्या मतलब? मतलब गाय माता की दूध की तरह बिल्कुल साफ है। मैं इस घर का बहू हूं, मैं इस घर का बेटा हूं, ये मेरी पत्नी है, मैं इसका धर्मपत्नी हूं, ये मेरा पति है। नहीं नहीं नहीं, मैं इसका पति हूं। नालायक, तूने वही किया जिसका मुझे डर था। मेरी उम्मीदों के सपने तोड़ के रख दिए, हमारा नुकसान कर दिया। निकल जा यहां से, यहां तेरा कोई काम नहीं। इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। डार्लिंग प्राणनाथ। हाँ डार्लिंग नाथ के प्राण। ये बुढ़ा कौन है? बुढ़ा? ये मेरे पिताजी हैं। ओह, सो ओल्ड। चल चुप रे ओल्ड वाली। अरे अमर, तूने तो कहा था कि तू इन राक्षसों की बस्ती में नहीं रहना चाहता, फिर यहाँ क्या लेने आया है? एक बहुत कीमती चीज लेने आया हूँ। मैं तुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगी। कौड़ियों का शौक तो मुझे बचपन से नहीं रहा, मैं तो आप लोगों का आशीर्वाद लेने आया हूँ। डार्लिंग प्राणनाथ। यस नाथ के प्राण। ये बुढ़िया कौन है? बुढ़िया? ये तो मेरी माँ है। माँ? ओह माय गॉड, इनकी जबान तो छुरी की धार से भी ज्यादा तेज है। रसोई घर में सब्जी तरकारी क्या इनकी जबान से काटी जाती है क्या? सीमा जी। हाँ प्राणनाथ, आशीर्वाद के बारे में क्या ख्याल है? पैर तो खराब है मगर ले ही लेते हैं। क्या इस घर में आने वाली नई बहू को आशीर्वाद नहीं दिया जाता? आशीर्वाद नहीं, अब पिताजी का आशीर्वाद। चुप चुप जियो और सदा स्वागत रहो। आओ तुम्हें इस घर के रंगमंच के दूसरे कलाकारों से मिलाऊं। ये मेरी बहन कंचन। जुग जुग जियो, सदा स्वागत रहो। आपकी बहन क्या कुंवारी है? जी नहीं, ये बीमारी है। नहीं नहीं, मेरा मतलब हमारी है, एक बच्चे की माँ है। और जिस बच्चे की ये माँ है वो बच्चा मैं हूँ, और आपके प्राणनाथ मेरे मामा है, और इस रिश्ते से आप मेरी मामी लगी। हाँ। कैसी लगी तुम्हारी मामी? एक मिनट। हाँ? बहुत मीठी है। अच्छा सीमा, अब तुम थक गई होगी, चले ऊपर। हाँ। पापा, आज तो कमाल हो गया। क्या? सेहत तो वैसे का वैसा रह गया, छुरी टूट गई। लगता है कहानी में नया रंग आने वाला है। अच्छा है ना, बजरंगी का जो रंग निकल गया तो वो रंग वापिस आ जाएगा। मैं चलता हूँ, मैं जब तक बोलू जाना नहीं है। क्या है? कुछ नहीं। मैंने सोचा कुछ देर गाना गाकर आपका दिल बहलाऊं। गाना तो आप बहुत अच्छा गाते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि आप सोएंगे कहाँ? बाथरूम में। क्या जी, और कोई जगह भी तो नहीं? तो फिर जाइए, रात काफी हो चुकी है। जी जी जी। आप जरा उठेंगी? क्यों? अरे भाई उठेंगी तो बताऊंगा ना। हाँ।
अरे ये क्या चीज है? बाप को चीज बोलता है, शर्म नहीं आती है? तुम क्या मुसीबत है यार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुझसे अकेले में बात करनी है। तो यहाँ काहे के लिए चले आए? हर रात बिस्तर पर जहाँ मुझे हैरान करने चले आते हो वहीं चले आना था ना। वहाँ तो बड़े भयानक खर्राटे ले रहा था, इसलिए मैं यहाँ चला आया। अरे मगर तुमको फ्रिज में सर्दी नहीं लगती है क्या? गधे, ससुराल के बावर्ची, मरने वाला फ्रिज पे बैठा हो या चूल्हे पे लेटा हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ठीक है, क्या है? मुझे ऊपर तेरी माँ मिली थी। मेरी माँ मिली थी? क्या बोली मेरी माँ, क्या बोली मेरी माँ? उछल मत, पहले पूरी कहानी सुन ले। क्या है? उसको जब पता चला कि तेरी ये हालत है तो वो बहुत रोने लगी। कहने लगी मैं अपने बच्चे की हालत सुधारने की भगवान से प्रार्थना करूंगी, उसकी हालत जरूर सुधर जाएगी। अरे वाह, मेरी माँ मरने के बाद भी मेरे लिए चिंता करती है। मेरी माँ को मेरा नमस्कार बोलना। मैं कोई नमस्कार नमस्कार नहीं बोलूंगा। क्यों? मैं उससे बात नहीं करता, वो बात बात पर मुझे डांटती है, इसलिए मैं भाग के नीचे आ जाता हूँ। मैं तो ये बाप है, अगर बाप ऐसे डिजाइन का तो बेटा कैसे होगा? खामोश। अजय सुनते हो? क्या हुआ? तुम्हारी बहू आ गई। तो डरता क्यों है? अरे मगर तुम यहाँ से बाहर जाओगे कैसे? बिजली के वायर में घुसकर, बल्ब में से निकलकर, तस्वीर के फ्रेम में घुस जाऊंगा। क्या फेंकते हो यार? गजब हो गया। वो तो रोज होता है, क्या हुआ? अरे तुम्हारे बाप फिर तस्वीर में नहीं है। वो फ्रिज में? क्या नहीं, मेरा मतलब वैसा होता है ना जैसे बम्बई में नहीं बिजली आती जाती रहती है, तो मेरा बाप भी फोटो में से आता जाता रहता है। अरे पर मैं कह रही हूं वो नहीं है। अरे है यार। और नहीं हुआ तो? कभी हुआ तो? तो चलो तुम पीछे चलो, मैं आगे आता हूँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब मैं आगे चलता हूँ, पीछे अपने मेरे मालूम नहीं। तुम भी अनशन बकते हो। क्या है? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आप अभी तक सोए नहीं? विजय के बापू, घर की लगाम हाथ से छुटती चली जा रही है और तुम यहाँ बैठे बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे हो। अरे वाह रे वाह, ये लो पकड़ो डंडा और दो चार जमा कर निकाल बाहर करो उस कमीनी को। भाई तुम तो इस काम में चैंपियन हो, तुम क्यों नहीं कर लेती ये काम? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं बहू पर हाथ उठाऊं तो कुछ अच्छा नहीं लगता, लड़की जात है ना, इसीलिए चुपचाप बैठा हुआ हूं। मगर तुम तो औरत हो, औरत औरत पर डंडे बरसाए तो ना तो समाज छूट कहेगा ना ही कानून कहेगा। ठीक है तुम यहाँ चूड़ियाँ पहने बैठे रहो, उसका दिमाग तो मैं ठिकाने पर लगाती हूँ। क्या समझती है हम लोगों को? माँ जी, आप भी यही हैं और मैं भी यही हूँ। डंडेबाजी तो होती रहेगी, पहले बैठकर सुकून से खाना तो खा लीजिए। मैं नहीं खाऊंगी खाना। आप खाना नहीं खाएंगी? बिल्कुल नहीं। और आप पिताजी? ये भी नहीं खाएंगे। मैं आपसे पूछ रही हूँ पिताजी। ये नहीं खाएंगे मैंने कह दिया ना, इस घर का कोई भी आदमी तेरे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाएगा, समझी? वाह, जिस घर के बड़े बूढ़े अनाज को ठोकर मारते हो, उस घर के बच्चों को सुख कहां से नसीब होगा? मां, ये वो अनाज है जिसके लिए इंसान दिन रात मेहनत करता है, पैसा कमाता है, नहीं मिलता तो चोरी करता है, डाके तक डालता है सिर्फ इसके लिए। यही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है और आज
तुमने भगवान की इस दौलत को ठोकर मारी। ये ठोकर एक दिन तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी माँ, बहुत महंगी। आप रहने दीजिए, मैं साफ करती हूँ। छोड़िए ना, मैं उठाती हूँ। अरे शर्म करो, शर्म करो। मेरे बाप ने नहीं खाया, मेरी माँ ने नहीं खाया, यहाँ तक कि मैंने नहीं खाया, और तुम होके जो भूखे भिखारी की तरह गपागप गपागप खाए जा रहे हो। वो ना खाए तो मुझे क्या करना है, उन्होंने तो बहु हड़ताल कर रखी है। बहु हड़ताल? हाँ, जैसे फैक्ट्री में मजदूर पगार के लिए हड़ताल करते हैं, पब्लिक पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ हड़ताल करती है, वैसे तुम्हारे माँ बाप ने अपने बहू के खिलाफ हड़ताल की है। मैंने थोड़ी की है, मैंने तो उस खाने के लिए अपने माँ बाप से हड़ताल की, तुम्हारे घर में चलाया। इस खाने के लिए मैं तुम्हारे माँ बाप की जूतियाँ खाता हूँ तो क्या नहीं खाऊंगा? मैं तो खाऊंगा, एक बार बोलूं। शराफत से चुपके से आके तुम भी खाना खा लो, बहुत मजेदार खाना है। बोलो, खाती हो? हाय हाय, बड़ा बेशरम आदमी है। अरे क्या करती हो, बुढ़ा आदमी अपने बाप को बेशरम बोलती हो? अरे मैं तुमको कह रही हूँ, तुमको वो चले, वो तो मैं रोज सुनता हूँ। अभी भी चांद से खा लो, बहुत टेस्टी खाना, कसम से बोलता हूँ, नहीं तो फिर मिलेगा नहीं। अरे जाओ, मैं तुम्हारी तरह खाने के लिए मरती नहीं हूँ, और ऊपर से वो डायन के हाथ का बना हुआ खाना मैं जिंदगी भर तक ना खाऊं। मत खाओ, जा जन्म में। क्या कहा? नहीं नहीं, मन में कुछ ख्यालात की डकार थी ना, तो निकल गई। तो ठीक है। बबलू कहाँ है? कौन बबलू? अरे बेशरम, तुम्हारा बेटा। मेरा कौन सा बेटा? हाँ, अपना बबलू। वो और कहाँ होगा, अपने मामा मम्मी के साथ होगा। अच्छा, क्या मुसीबत है यार। आओ खाना खाने, अभी थोड़ा ही बचा, उसमें तुम कहाँ से खाओगे, मैं अकेले खा लेता हूँ, तुम जाओ।